महीना ध्यान करो और फिर सिद्धि के सूत्र लगाने लगो। 1-2-3 महीना सिद्धि के सूत्र लगाओ, उड़ने की सिद्धि ले लो। जब शरीर उठ जाए, समझ लो कि सारी प्रक्रियाएं सिद्ध हो गई। इसीलिए इनको सिद्धि सूत्र कहते हैं, सिद्धि सूत्र कहते हैं। कर लो बजाय चिंता करने की कि देखो अभी ये भी खराब है और ये भी गड़बड़ है और वो भी गड़बड़ है और वो भी गड़बड़ है। बजाय गड़बड़ सोचने के अपने आत्म चेतना को ठीक कर लो शाम सवेरे दोपहर में, और दिन में देवताओं के स्तोत्रों का पाठ करो। ये स्तोत्र जो है ना, ये शिव सहस्र नाम है, शिव कवच हैं, शिव स्तोत्र हैं, विष्णु सहस्र नाम है, विष्णु स्तोत्र हैं, विष्णु कवच हैं, भगवान विष्णु के मंत्र हैं। इतनी बड़ी निधि है अपने अपने भारत में, परंपरा में, अपने गुरुजनों से ले लेते हैं, मंत्र लेते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। ये बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान है। दैवी चेतना को जगा जगा के रखते हैं, अपने दैवी चेतना को जगा जगा के रखते हैं। सर्वज्ञता सर्वसमर्थता के तरफ चलते हैं। जितना जीवन है, जितनी सर्वज्ञता सर्वसमर्थता आ जाएगी, 10% आ जाए, 50% आ जाए, 90% आ जाए, जितना भोले भाव का जीवन, सीधा साधा जीवन अपना, भोले भाव का जीवन और अपना त्रिकाल संध्या वंदन का धर्म प्रधान जीवन, और ज़्यादा झंझट में मत पड़ो इधर का उधर। भोले भाव एक कहावत है अपनी, एक कहावत है, भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई न चतुर्भुज पाई। ये भोले भाव से जो वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, जो श्रुति प्रमाण है, प्रमाण माने वो प्रूफ, क्या प्रूफ है अपना सबसे बड़ा? श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाणम परमम श्रुति, ये शब्द है। प्रमाणम परमम श्रुति, श्रुति का माने वेद का जो शब्द है वो परम प्रमाण है। दैट इज सुप्रीम ऑथेंटिसिटी इन लाइफ। सुप्रीम ऑथेंटिसिटी इन लाइफ इज इन द वर्ड्स ऑफ द वेदा, इन द मंत्रास ऑफ द वेदा, इन द सिस्टम ऑफ द वेदास, इन द प्रोसीजर्स ऑफ द वेदास, इन द रिसाइटेशन ऑफ द वेदास। रिसाइटेशन के लिए क्या कहा है? वेद के पाठ के लिए क्या कहा है? वेद के पाठ के लिए कहते हैं पाठ मात्रेण सिद्ध्यति, पाठ मात्रेण सिद्ध्यति, पाठ करने से सिद्धि होती है, माने केवल पाठ करने से, केवल पाठ करने से सिद्धि होती है। जो अपने यहाँ ये सिद्धांत बना ना, पाठ करते हैं, पाठ करते हैं, गुरु नानक देव जी ने भी पाठ अपना बताया, गुरु गुरुवाणी का पाठ कर, वो सब वेदवाणी का पाठ की जो परंपरा है उसी को लिया है, वेदवाणी के पाठ की परंपरा। पाठ मात्रेण सिद्ध्यति, लोग अपने गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, ये शिव पुराण का पाठ करते हैं, विष्णु पुराण का पाठ करते हैं, अग्नि पुराण का पाठ करते हैं, ये पुराणों का पाठ जो करते हैं ना, पाठ कर, पाठ मात्रेण सिद्ध्यति। इसलिए कि वो जो पाठ के शब्द हैं वो चैतन्य आत्मा के स्वर हैं। तो चैतन्य आत्मा के स्वरों को जब अपने स्पंदित करते हैं तो फिर वो शरीर जिन चेतना के स्पंदनों का बना है वो सजीव होते हैं। वो चेतना के स्पंदन शरीर शरीर में जो चेतना फैली हुई है वो सजीव होती है। तो फिर जब सजीव होती है तो पूरे ज्ञान की सामर्थ्य लेके सजीव होती है। तो
तो पूरे ज्ञान की सामर्थ्य लेके